अर्जेंट के पास बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। एनएसए डोवाल, जेएनके के डीजीपी, आर्मी चीफ बैठक में शामिल रहेंगे। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जो बैठक आज करने वाले हैं उसमें मुख्य एजेंडा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा करना है। इस बैठक में रक्षा क्षेत्र के तमाम बड़े चेहरे होंगे ताकि एक बड़े स्तर पर प्लान को तैयार किया जा सके। एनएसए अजीत डोवाल, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, नए नामित आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सीआरपीएफ और डीजीपी अनीश दयाल सिंह समेत केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। इसके साथ साथ जेएनके के डीजीपी आरआर स्वैन भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे और चर्चा की जाएगी कैसे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि जेएनके में हाल ही में कई आतंकी घटनाएं हुई हैं, आतंकी घुसपैठ की बढ़ती कोशिशें हुई हैं। वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, घाटी में सुरक्षा बंदोबस्त की समीक्षा होनी है और आप समझिए ये बैठक बहुत ज्यादा अहम होने वाली है। और एक तरफ बैठक होनी है तो दूसरी ओर आपको बैठक से पहले आई एक अहम तस्वीर दिखाते हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने गढ़वाल राइफल्स के रेजिमेंटल सेंटर पहुंचे। इस दौरान वहां दी जा रही प्रशिक्षण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की उन्होंने। साथ ही उच्च स्तर की ट्रेनिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए स्थानीय जो जवान है उनकी तारीफ भी की है उन्होंने। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हाई लेवल बैठक से पहले जेएनके के डीजीपी का बहुत बड़ा बयान, घाटी में आतंक नाकाम, आरआर स्वैन का यह कहना है आतंक को शून्य कर देंगे डीजीपी जम्मू और कश्मीर, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। ये सच कि वो अटेम्प्ट में कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं पर ये पैटर्न नहीं बन सकता है, ये इसमें ये एबरेशन ही रहेगा, ये एक्सेप्शन ही रहेगा और ये इसको काबू खूब जल्द पाया जाएगा और इसको लेकर डिसप्रोपोर्शनेट लेवल पे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बढ़ चढ़ के कहा कि साहब अब हम इसमें फुल टाइम भी हम अपना काम करेंगे, आपके साथ देंगे विदाउट एनी सैलरी, वॉलंटरी बेसिस पे। और अब समझिए कि हाई लेवल मीटिंग क्यों बुलाई गई, डीजीपी का ऐसा बयान क्यों आया वो आपको तफसील से समझाते हैं। घाटी में आतंकवाद के, और देखिए ये चार तस्वीरें आपके सामने, कठुआ में किस तरह से घटनाएं हुई हैं और उसके बाद आतंकियों को ढेर किया गया। 11 और 12 जून को श्रद्धालुओं पर हमला किया गया, उस बस की तस्वीरें आपको बहुत अच्छे से याद होगी। आर्मी नाके पर अटैक किया गया और पुंछ में 1 जून को अटैक किया गया था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, आज की बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि बीते 2 हफ्तों में देखा गया है कि 4 बार आतंकी घटनाएं देखी गई हैं और उसके बाद यह समीक्षा बैठक कितनी अहम हो जाती है और क्या कुछ इस बैठक से आज निकल सकता है। देखिए विपिन, जो हाल की घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण रियासी में जो हुई घटना है। अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के मामले में कश्मीर के इलाके में ज्यादा घटनाएं होती हैं, जम्मू में इस तरह की घटनाएं कम होती हैं। लेकिन ये जो घटना है वो काफी अलार्मिंग है एजेंसियों के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि आतंकियों के मंसूबे एक तरह से कह सकते हैं जम्मू के उन इलाकों में आ गए हैं जिन इलाकों में अक्सर माना जाता था कि यहाँ पे इस तरह की घटनाएं नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, हाल के दिनों में या कह सकते हैं आने वाले दिनों में ठीक है कश्मीर में कई सारी चीजें, बिल्कुल कुंदन, और कश्मीर के अलावा जम्मू में इस तरह की आतंकी घटनाएं बहुत ज्यादा हैरान करती है, इसीलिए गृहमंत्री अमित शाह ने इस तरह की समीक्षा बैठक बुलाई। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर है, घाटी में आतंकवाद के नए मॉड्यूल के खात्मे के एजेंडे से जुड़ी भी अपडेट है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नार्को टेरर का भंडाफोड़, कुपवाड़ा के कारनाम में नेटवर्क के 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, हथियार विस्फोटक का ड्रग्स भी इनके पास से बरामद की गई है। खुफिया इनपुट पर पुलिस और आर्मी का एक्शन।
और आतंकियों ने दहशतगर्दी के एजेंडे को घाटी में फैलाने के लिए नया हथकंडा चुन लिया है। इसमें वो अब तक घुसपैठ और उसके बाद हमले किया करते थे, लेकिन अब नार्को टेरर का रास्ता उन्होंने अख्तियार कर लिया है, यानी ड्रग्स का लालच देकर आतंकी गतिविधि के लिए साथी बढ़ाना और उनको ढूंढना, उनको शामिल करना उनका मुख्य मकसद है। आतंकी वारदातों को अंजाम देना इसमें एजेंडे में शामिल है। और देखिए, जिस नार्को टेरर ग्रुप का खुलासा हुआ है उसे खुफिया इनपुट पर पकड़ा गया है। बिग वॉल के जरिए कुछ और डिटेल्स आपके लिए लेकर आते हैं। आर्मी पुलिस ने जाल बिछाया और कैसे इसको ये सब कुछ किया गया। सबसे पहले देखिए, घाटी में नार्को टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ सबसे पहले कैसे पकड़ा गया और क्या क्या मिला वो आपको बताते हैं। जेएंडके पुलिस की ये सूचना है, आर्मी पुलिस का ऑपरेशन और जाल बिछाकर इन तमाम लोगों को दबोचा गया। आप देखिए क्या इनके पास से मिला है। 500 ग्राम हेरोइन, 5 किलो विस्फोटक, 3 पिस्टल, 76 गोलियां और 6 पिस्टल मैगजीन इसमें शामिल है। इस तरह का ये टेरर मॉड्यूल इस वक्त जम्मू और कश्मीर में चल रहा है और जिसका खुलासा इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। इरफान कुरैशी इस वक्त हमारे साथ सीधे कश्मीर से जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन पुलिस का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में और आर्म्स स्मगलिंग में वो पार्टिसिपेट करें, तो ये एक इंसेंटिव है जो नारकोटिक्स है, क्योंकि नारकोटिक्स जैसे 500 ग्राम है उसकी मार्केट, ब्लैक मार्केट वैल्यू जो है करीब 2.5 करोड़ रुपए है। तो एक तरह से ये जिस आदमी ने स्मगलिंग करी है ये उसका पेमेंट है। और बहुत सारे केसेस में इस तरह से भी है कि जब भारी मात्रा में नारकोटिक्स आया है तो उसका पैसा वापस भी जा सकता है। तो ये वहां पे टेररिज्म को फाइनेंस करने की भी एक करेंसी बन गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं इरफान का, जो कि कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए। इरफान, ये खबर बहुत ज्यादा चौंकाती है और नए नए मॉड्यूल को वो इजाद करते रहते हैं इसलिए ताकि वहां पर अपने दायरे को और बढ़ाया जा सके, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी के चलते इस मॉड्यूल का खुलासा हुआ। कैसे देख रहे सुरक्षा एजेंसियां इसको? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ये जो बड़ा नार्को टेरर मॉड्यूल बस किया गया है नॉर्थ कश्मीर के करना इलाके में, जो कि बिल्कुल एलओसी का इलाका है, और लगातार सरहद उस पार से कोशिश है कि नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाए ताकि जो टेररिज्म है उसको फंड करके यहाँ पर एक बार फिर से नेटवर्क जो है खड़ा किया जाए। और लगातार पुलिस और सुरक्षा बल कोशिश कर रहे हैं कि जो नार्को टेररिज्म है उस पर जो है लगातार निरंतर रखा जाए। उसके चलते लाइन ऑफ कंट्रोल के तमाम इलाकों में जो है चौकसी बढ़ा दी गई है और उसी के चलते इस तरह के मॉड्यूल आए दिन बस्ट हो रहे हैं। और कल भी एक ये बड़ा मॉड्यूल करना इलाके में कुपवाड़ा जिले में बस्ट किया गया, जिसमें 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। बिल्कुल इरफान, और ये चौंकाता है और हैरान करता है कि आतंक को फैलाने के लिए नए नए मॉड्यूल का आतंकी इजाद करें। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, भारत के रक्षा क्षेत्र को सशक्त करने के एजेंडे से जुड़ी अपडेट है। स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा भारत, स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम वज्र खरीदने की तैयारी है, रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसा है वज्र। देखिए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम वज्र खरीदने की अब भारत की तैयारी है, अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अब भारत अग्रसर है। देखिए, एक तरफ रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तस्वीर आप देख सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम वज्र का वीडियो है। और दुनिया के कई देश जब रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहीं भारत स्वदेशी शक्ति का शौर्य दिखा रहा है। शॉर्ट रेंज मिसाइल से लैस वज्र खरीदकर तीनों सेनाओं के बाहुबल में भारी इजाफा होगा। और देखिए, सबसे पहले वज्र एयर डिफेंस सिस्टम पर इस डील की खास जानकारी बिग वॉल के जरिए आपको दे देते हैं। देखिए क्या कुछ है। वज्र एयर डिफेंस सिस्टम कम दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है और 5000 वज्र डिफेंस सिस्टम खरीदने के फिलहाल भारत सरकार इस वक्त तैयारी कर रही है। तीनों सेना इसका इस्तेमाल करेंगी और इसके लिए तीनों सेनाओं की शक्ति में इजाफा के तौर पर इस फैसले को देखा जा रहा है। हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की तैयारी है, उसी के तहत वज्र एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा जाएगा। किसी भी हालात, जगह और इस्तेमाल इसका संभव है, हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा विमान,
फाइटर जेट को यह मार गिरा पाने में पूरी तरह से सक्षम भी बताया जाता है। हेलीकॉप्टर, मिसाइल, ड्रोन, इन तमाम चीजों को एक साथ ढेर करने की शक्ति रखता है यह वज्र एयर डिफेंस सिस्टम। देश में ही विकसित यह प्रणाली है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा भी हो रही है। और देखिए, अब वज्र की ताकत को जानिए, आप समझिए कि क्या क्या कुछ है। और अब बात सेफ डिजिटल इंडिया के एजेंडे की, अफवाह और डीप फेक पर स्ट्राइक की तैयारी है। और आप समझिए वज्र की ताकत को, समझिए क्या कुछ कहा गया। S-400 जैसा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका वजन 20.5 किलो है। इसके साथ साथ इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 6.7 फीट इसकी लंबाई है। हथियार को ले जाने की जो क्षमता है, लगभग 2 किलो तक इसका भार ले जा पाने में सक्षम है। अधिकतम रेंज जो इसकी है वो 6 किलोमीटर इसकी रेंज है, जैसा कि S-400 में होता है। उड़ान की अगर बात कर ले तो 11,500 फीट तक इसकी उड़ान की क्षमता फिलहाल विकसित की गई है। ये वो खूबियां हैं। रफ्तार की अगर बात कर ले तो 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह चल सकता है। और अब बात कर लेते हैं सेफ डिजिटल इंडिया एजेंडे की। अफवाह और डीप फेक पर स्ट्राइक की तैयारी है। सरकार ला सकती है डिजिटल इंडिया बिल। अफवाह से निपटने के लिए होंगे प्रावधान। आने वाले संसद सत्र में बिल पेश हो सकता है। तो देखिए, सरकार अब डिजिटल इंडिया बिल ला सकती है। अफवाहों से निपटने के लिए इसमें प्रावधान होंगे। बहुत बड़ी तैयारी है सरकार की। आने वाले संसद सत्र में ये बिल पेश हो सकता है। तो देखिए, डिजिटल इंडिया बिल का मकसद क्या है वो जल्दी से आपको बता देते हैं। अफवाहों पर कंट्रोल, डीप फेक पर नकेल, एआई का बेहतर इस्तेमाल इसमें शामिल है। और इसके साथ साथ देखिए, सोशल साइट्स पर लगाम लगाना, सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम को तैयार करना भी इसके एजेंडे में शामिल है। और बड़ी खबर की बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए पाकिस्तान की बौखलाहट में छिपे एंटी इंडिया एजेंडे की। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर गिर सकती है गाज। पाक खिलाड़ियों की सैलरी काटने की तैयारी। T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने से खफा है PCB। और देखिए, T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने से बौखला गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इसीलिए PCB अध्यक्ष को सैलरी काटने की सलाह दी गई है। क्या कुछ डिटेल्स है वो बिग वॉल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मिलेगी इस बार सजा। क्यों सजा मिल रही है? क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और इसको लेकर बौखला गया है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड। इसीलिए PCB अध्यक्ष को सैलरी काटने की सलाह दी गई है कि जो खिलाड़ी वहां से हार कर आए हैं उनकी सैलरी को काटा जाए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों के जो उनका वेतन है उसकी समीक्षा होगी और इसके साथ साथ यह तय किया जाएगा किसको कितना सैलरी मिलेगी और किसकी कितनी सैलरी काटी जाएगी। कौन से लोग देखिए रडार पर है? सबसे पहले कप्तान बाबर आजम, उसके अलावा बॉलर मोहम्मद रिजवान और इसके अलावा शाहीन अफरीदी। ये वो तीन चेहरे हैं, वो खिलाड़ी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके चलते आलोचना झेल रहा है। इसीलिए इन खिलाड़ियों को सजा देने का फैसला किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, बात करेंगे गांधी परिवार के दक्षिण एजेंडे की। रायबरेली वायनाड सीट पर एक अपडेट है। रायबरेली सीट रखेंगे राहुल गांधी, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और वायनाड सीट छोड़ने का प्लान है। वायनाड सीट पर कैंडिडेट तय होगा। तो अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि क्या कांग्रेस का दक्षिण दुर्ग बनेगा वायनाड। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि राहुल का वायनाड सीट छोड़ना लगभग तय माना जा रहा है। वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार तय होगा। वायनाड कैंडिडेट के तौर पर प्रियंका गांधी पहली पसंद है। वायनाड से रिश्ता बनाए रखने की यह स्ट्रेटेजी है। गांधी परिवार के गढ़ के तौर पर वायनाड की फ्रेमिंग होगी और अगले 2 से 3 दिन में इसका ऐलान भी जल्द हो जाएगा। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कुमार विक्रांत,
वाई नॉट सीट राहुल गांधी छोड़ेंगे और ज्यादातर संभावना यही दिख रही है कि यहां से प्रियंका गांधी का नाम सामने आएगा। क्या जानकारी इस बारे में? देखिए, राहुल गांधी ने दोनों सीटों से पारिवारिक रिश्ते की बात कही थी, लेकिन अगर रायबरेली की बात करें तो 121 साल पुराने रिश्ते की बात की गई। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। ऐसे में जानकारी ये मिल रही कि राहुल गांधी रायबरेली को सीट को अपने पास रखेंगे, वायनाड सीट को छोड़ेंगे। और जब पारिवारिक रिश्ते की बात उन्होंने की है तो ऐसे में कोशिश ये है, प्रियंका गांधी से बात की जा रही कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़े, वो पहली पसंद है। अगले दो से फैसले का ऐलान हो जाएगा कि वो सीट छोड़ेंगे और फिर आने वाले वक्त में वहां से उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। तो प्रियंका गांधी रेस में सबसे आगे। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। कुमार विक्रांत, बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट देने के लिए। और अब बात दिल्ली को प्यासा बनाकर सियासी संग्राम के एजेंडे की। आज दिल्ली पानी संकट पर बीजेपी बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में करने वाली है। दिल्ली सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का प्लान है। शाहदरा में वीरेंद्र सचदेवा करेंगे प्रदर्शन, नजफगढ़ में कमलजीत सहरावत करेंगे प्रदर्शन, संगम विहार में सांसद विधोड़ी करेंगे प्रोटेस्ट। पूरे दिल्ली में पानी के संकट को लेकर ये बड़ी तैयारी बीजेपी। तो देखिए, दिल्ली में लगातार जल संकट बढ़ता जा रहा है। राजधानी के कई इलाके पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, मगर इस संकट का कोई समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और बीजेपी भी आज हल्ला बोल करने वाली है। दिल्ली जल संकट पर एक और बड़ी अपडेट है। आज आम आदमी पार्टी विधायक जल शक्ति मंत्री से मिलेंगे। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात करेंगे। आज सुबह 9:30 बजे इनकी मुलाकात हो सकती है। बहुत दिक्कत होता था, सबको टाइम से पानी चाहिए, ड्यूटी जाने वाले को ड्यूटी से पहले पानी चाहिए। इसके कारण कोई पानी मिलता, किसी को पानी नहीं मिलता था, कभी पानी मिलता कभी पानी नहीं मिलता, दो घंटा लगता था। बहुत दिक्कत होता, देखो कितना मार हो रहा है रोज यहाँ पे पानी की। ऐसे होता है सुबह 4 बजे नंबर लगाए है, लेकिन फिर भी इतना मार हो रहा है। एक ही टैंकर आता है, उसमें पानी नहीं पूरता। लाखों गैलन पानी सीवर में बहाया जा रहा है। 80% घरों के अंदर पानी नहीं आ रहा, पीने का स्वच्छ गंदा पानी आ रहा है। 10 साल से आप क्या कर रहे थे, लीकेज की समस्या आपने क्यों नहीं सॉल्व करी? 10-15 मिनट पानी आ रहा है, वो भी गंदा पानी आ रहा है। लीकेज में भी ध्यान दे रहे थे, आप कभी किसी से पानी मांग रहे, कभी किसी से पानी मांग रहे हैं। 20 दिन होने को जा रहे हैं और ये केवल जनता को जो है पानी के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में अगले 3 दिन गर्मी का ऑरेंज अलर्ट है। दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री रहा है। आया नगर मौसम केंद्र में 46 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। पाला मौसम केंद्र में 44 डिग्री पहुंचा है पारा।